तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत करते हैं एक और वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड्स डेविल के एपिसोड नंबर 143 को। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है येलो को और उस लॉर्ड की डॉटर को, जो कि एक फिश होती है जिसका नाम क्यूकी होता है। तभी अचानक जैसे ही क्यूकी अंदर आती है, प्रिंसेस क्यूकी अंदर आती है कमरे के, तो येलो वहाँ से भागने की कोशिश कर ही रही होती है, लेकिन जो येलो होती है वो सीधे जाकर दीवार के पीछे ठक जाती है। भाई एक बात मैं अभी भी क्लियर कर देता हूँ कि मुझे येलो का जेंडर आज तक पूरी सीरीज में नहीं पता चला, तो मुझे जो लगा मैं वो कह रहा हूँ, बस नाम से पता लगा लो किसके बारे में बात चल रही है, ठीक है। तभी जो क्यूकी होती है वो बहुत ज्यादा डर जाती है येलो को देखकर और कहने लगती है, यहाँ पर चूहा क्या कर रहा है, जल्दी से इसे मारकर भगाओ। और उसी कनपट्टी में एक जोर से दे मारती है, जिसके कारण जो येलो होती है वो बहुत दूर जाकर गिरती है और सीधे दीवार से ठुक जाती है। इतनी स्पीड से मारा होता है उसे कनपट्टी में खींच के, और जैसे ही उन्हें कनपट्टी में खींच के पड़ता है तो येलो अपने असली ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है। अब असली ने कहा या नहीं कहा लेकिन ह्यूमन फॉर्म में आ जाती है, जिसको देखती है क्यूकी और बोलने लगती है, तुम ह्यूमन फॉर्म में भी आ सकती हो। और यह देखने के बाद जो क्यूकी होती है बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वहीं पर रोना चालू कर देती है एकदम मासूम बनते हुए, और उससे कहने लगती है येलो से, हे तुम येलो माउस, अभी तो तुम मॉन्स्टर थी, ये तो मेरा सनेल्लो है हमारे घर का, लेकिन ये मॉन्स्टर कैसे बन गया अचानक से। तभी येलो उसको देखकर चिल्लाना चालू कर देती है और बोलने लगती है, हे आखिरकार तुम किसे मॉन्स्टर बोलने में लगी हुई हो, क्या तुमने इतना सुंदर मॉन्स्टर कभी देखा है। और तभी जो येलो होती है वो उस फिश से, मतलब क्यूकी से कहने लगती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैं दिक्सिया से हूँ लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। अब सकती सकता यार, मैं टोटल कंफ्यूज हूँ पूरी सीरीज में। ये सुनते ही वो क्यूकी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है एकदम से, और मासूम सा चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगती है, मुझे पता है जो येलो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती यार, मुझसे ऐसा देखा नहीं जाता। और वहीं पर मासूम से चेहरा रोती रहती है और येलो से कहने लगती है, मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ और मैं बहुत ज्यादा बदसूरत हूँ, इसलिए मुझे समझ में आता है तुम मुझे क्यों नहीं पसंद करते। और जैसे ही क्यूकी की कहानी सुनती है येलो, तो मन में सोचते बोल लगती है, इसको देखकर तो ऐसा ही लगता है ये कोई बुरी पर्सन है, तो मुझे उसके चेहरा देखकर, मतलब किसी की फेस टू फेस देखकर इस तरीके से अंदाजा नहीं लगाना चाहिए कि वो कैसा दिखता है। और क्यूकी होती है वो अपने फादर के बारे में बुरा कहने लगती है कि कितने बुरे बुरे काम किए हैं उसने। तभी येलो उसको यह सुनने के बाद कहने लगती है, मुझे लगता है कि तुम अपने फादर के बारे में कुछ ज्यादा अच्छा नहीं सोचती हो और ना ही तुम अपने फादर को पसंद करती हो। तभी क्यूकी उससे कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही समझा। और क्यूकी येलो को बताने लगती है, जो मेरे फादर है वो यहाँ के लेटर किंग है, मेरे जो फादर है वो बहुत ज़्यादा डरावने नहीं है बल्कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इस सिटी के जितने भी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा डरते हैं मेरे फादर से। और वह अपनी पुरानी कहानी बताने लगती है कि किस तरीके से क्योंकि ह्यूमन वर्ल्ड में जाने की कोशिश कर रही थी, यहाँ पर उसने देखा था कि जो इंसान होते हैं वो किस तरीके से हंसते खुसते वहाँ पर रह रहे थे और खूब मौज मस्ती कर रहे थे, और मैं भी चाहती हूँ कि वहाँ पर हमारी शांति बनी रहे तो मैं भी उनके साथ जाकर खेल सकूँ, और मैं चाहती हूँ कि वह लोग मेरे फादर से मेरा छुटकारा पा दे, क्योंकि अगर एक बार मेरे फादर का छुटकारा मिल गया तो मैं और मेरी पूरी की पूरी लाइफ शांति से गुजर सकती है और हमें फाइट भी नहीं करना पड़ेगा। तभी येलो उससे कहने लगती है कि मुझे लगता है मैंने तुम्हारे बारे में गलतफहमी हो रखी थी, अगर ऐसी बात है तो मैं येलो तुम्हारी बिल्कुल मदद करूंगी। बिल्कुल भाई यार, मुझे तो नहीं पता इसके जेंडर के बारे में, पर जो मुँह पड़े मैं तो उस सिचुएशन के हिसाब से मैं लड़की ही समझ रहा हूँ अभी भी टाइम पर। इस पिक्चर भाई जो भी है ना ऑथर, इसका उसने ऐसा बनाया ही इसको है, क्लियर तो कर देता है लड़का या लड़की, खैर पता है जेंडरलेस जानवर है फिर भी बता तो देना चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो शादी का मैटर है वो कुछ अलग ही है। यह सुनने के बाद जो क्यूकी एकदम से शॉक होती है और सरप्राइज होती है, उससे बोल लगती है, क्या तुम सच में मेरी मदद करोगे। और तभी जो येलो होती है क्योंकि बताने लगती है कि ह्यूमन वर्ल्ड के जो लोग हैं, ह्यूमंस हैं, वह मदद करने के लिए तैयार हैं और गोस्त के साथ वह दोस्ती भी कर सकते हैं, और मेरे जितने भी दोस्त हैं वो एक नंबर के स्किल्ड लोग हैं, स्किल्ड समझे, और उनमें से एक दोस्त का नाम है, उसका नाम लिन है। तभी अचानक से हमें लिन की एंट्री दिखाई जाती है, वो दरवाजा इतने जोर से खोलता है कि जो येलो होती है सीधे जाकर फिर से दीवार में टकराती है और उसकी तो बेड़ बच जाती है। और तभी लिन अंदर आता है और उसे पूछने लगता है, आखिरकार तुम इस दीवार पे चिपक के कर क्या रही हो। तभी येलो उससे कहने लगता है, तुम्हें लगता है क्योंकि तुमने कोई अच्छा काम कर दिया इस तरीके से आकर, और वहीं पर रोना चालू कर देती है येलो और उससे कहने लगती है, आखिरकार मैं ही क्यों हूँ जिससे चोट लगती है हमेशा गेट खुलकर। और क्यूकी उनको देखती है कि इंसान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी जो लिन होता है वह देखता है कि सामने वो फिश खड़ी हुई होती है और येलो से पूछ लगता है, तो क्या यह सिटी लॉर्ड की डॉटर है क्यूकी, और देखकर बहुत ज़्यादा डर जाता है और बोलने लगता है, अच्छा हुआ कि मैं इस सिटी लॉर्ड का सनेल्लो नहीं बना, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा स्केरी डरावनी है। तभी जो लिन होता है वो येलो से कहने लगता है, आखिरकार तुम दोनों कब शादी करने वाले हो और कब अपने हनीमून पर जाने वाले हो, हम तुम्हें ब्लेसिंग देने के लिए आए हुए हैं। तभी जो येलो होते हैं वो उससे कहने लगते हैं, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो यहाँ पर। तभी जो क्यूकी होती है येलो से कहने लगती है कि अब जबकि तुम्हारे दोस्त यहाँ पर आ ही चुके हैं तो तुम इनके साथ इस महल को छोड़कर जा सकती हो, तुम वाकई में बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें चोट नहीं पहुँचा सकती ऐसे भी। भाई येलो भी है देखने के बाद इमोशन हो जाती है, हो जाता है जो भी है।
तभी अचानक से सिस्टम उन दोनों को नोटिफिकेशन भेज देता है होंगी और लिन को और कह लगता है तुम्हारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो चुका है, तुमने उसे ब्लेस भी कर दिया और येलो को बचा भी लिया, तो तुमने एक तीर से दो शिकार मारा है, इसके बदले में तुम्हें स्किल और पॉइंट्स मिल जाएंगे। और दोनों के दोनों नोटिफिकेशन देखने के बाद एकदम सरप्राइज होते हैं, बोलते क्या यह मिशन कंप्लीट करना इतना आसान था। और सीओ टोटली कंफ्यूज होती है और सोचने लगती है आखिर क्या ये दोनों सोच क्या रहे हैं, अचानक से इतने सरप्राइज हो गए। तभी जो येलो होती है बोली इनसे कहने लगती है कि किस तरीके से केकी के साथ उसके फादर ने बर्ताव किया है और बताती है कि उसके फादर यहाँ के लॉर्ड हैं और वो बहुत ज़्यादा बुरे इंसान है, वो उससे छुटकारा पाना चाहती है, क्या तुम इसकी मदद करोगे। और तो और यह शांति से अपनी लाइफ को जीना चाहती है सभी के साथ दोस्त बनाते हुए। तभी लिन यह सुनने के बाद कहने लगता है क्या सच में जो भी हमारा दोस्त बनना चाहता है, जो भी शांति चाहता है, भले ही वो गोस्ट हो या इंसान हो, उनका स्वागत है हमारी पार्टी में। ये सुनने के बाद केकी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और वहीं पर उन्हें चालू कर देती है और उनका बहुत बहुत शुक्रिया करने लगती है और मनमे सोचते बोलती है ये मेरे बचपन से लेकर बड़े होने तक आज ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी ने मेरी इस मेहनत को रिकॉग्नाइज किया है और कोई मेरी इतना परवाह कर रहा। तभी उस कमरे में झिंगे आ जाते हैं और बोल लगते हैं यहाँ पर दुश्मन आ चुके हैं हमारी प्रिंसेस पे हमला करने के लिए, बचाइए उसे। तभी लिन और लिन की पार्टी यह देखकर शॉक होती है और बोल लगते हैं इसे देखकर ऐसा लगता है हमारा जो राज है वो खुल चुका है सभी के सामने। और तभी होंगी अपना वेपन निकालती है और कहने लगती है हमें यहाँ पर ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है, सीधे चल पड़ते हैं यहाँ से। और जो लिन होता है उन झींगों को इतनी बुरी तरीके से मारता है कि सीधे बाहर जाकर गिरते हैं। तभी जो येलो होती है वो लिन से कहने लगती है तुम मेरे साथ आओ, मैं अपने फादर के पास तुमको ले जा सकती हूँ, तो तुम उन्हें फोर्स कर सकते हो कि वो अपनी लीडर की पोजीशन त्याग दें। तभी लिन उससे कह लगता है तुमने तो वो कहावत सच में सच कर दी, घर का भेद ही लंकाड़ा है। तभी हमें वहाँ के सिटी लॉर्ड के एंट्रेंस का सीन दिखाया जाता है, यहाँ पर वो कमरे में आराम कर रहा है जो भी कर रहा है। तभी वहाँ पर झिंगे उस कमरे के दरवाजे को घेर लेते हैं और बोल लगते हैं हमें सिटी लॉर्ड की सुरक्षा करनी होगी चाहे कुछ भी हो जाए और सभी के सभी दुश्मनों को यहीं पर तबाह कर दो चाहे हमें उसके लिए मरना ही क्यों ना पड़े। तभी जो किकी होती है वो सभी झिंगों से कहने लगती है कि तुम सभी को इतना ज़्यादा इग्नोरेंट होने की जरूरत नहीं है, अब उन्होंने हमारे पास बहुत ज़्यादा जुल्म किया है, अब हमें उनसे आज़ाद होने का समय आ चुका है, इंसान और गोश्त सबको सब लोग एक समान है तो हमारा भी हक बनता है कि हम शांति से अपनी जिंदगी जिए। तभी जो बाकी के झिंगा होता है तभी एक झिंगा उठकर बोल लगता है कि जो हमारी मिस क्विकी मतलब क्विकी है प्रिंसेस क्विकी उन्हें इंसानों के द्वारा ब्रेन वॉश कर दिया गया है, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपने लॉर्ड के आदेशों का पालन करना ही होगा। तभी दूसरा झिंगा कहने लगता है ए प्रिंसेस क्विकी आप इस तरीके से अपने नहीं देख सकते ह्यूमंस के साथ काम करने का। तभी केकी ये सुनने के बाद सरप्राइज होती है और कोई भी उन पर विश्वास नहीं कर रहा होता। तभी होंगे आती है और उसे बोल लगती है केकी तुम्हें इतना ज़्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है इन चीज़ों से। और इन केकी से कहने लगता है तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, अगर हम इन्हें अच्छे सबक नहीं सिखाते हैं तो इनके दिमाग में कुछ भी बात नहीं घुसने वाली। तभी वह लोग अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करने के लिए आ जाते हैं होंगे और लिन। तभी होंगे लिन से कहने लगती है चलो हम अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं और दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और लिन भी इस बात से एग्री होता है खैर। और तभी वह दोनों अपनी नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं जिस कारण वहाँ पर एक दोनों का फुल मतलब दोनों की पावर का मैच होकर बहुत बड़ा धमाका होता है जिस कारण जितने भी हाई पावर के झिंगे होते हैं सब उड़कर दूर करते हैं। तभी यह देखने के बाद लिन बहुत खुश होता है और पोज मारते कहने लगता है हमारी जो नई टेक्निक है उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगता है ये तो कतई दिलकश करने वाली है। और होंग ये देखने के बाद बहुत ही ज्यादा शॉक और सरप्राइज होती है और बोल लगती है अच्छा तो ये है लिन के सिस्टम की पावर, वाकई में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी येलो उसे कहने लगती है कि जैसे कि यह है मेरा दोस्त लिन, क्या तुम समझ में आया कि यह कितना ज़्यादा पावरफुल है। और क्योंकि यह देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक और खुश होने लगती है और बोलती है ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तभी शियो वहाँ पर बगल में खड़े होती है उससे कहने लगती है येलो से कि येलो तुम तो ऐसा कह रही हो कि तुम अमेजिंग हो, तुम अमेजिंग नहीं हो बल्कि मेरा ब्रदर अमेजिंग है। तभी वहाँ के जो झिंगे होते हैं वो समीर पर जमीन में पड़े ही होते हैं कि आती है और उनसे बोल लगती है कि तुम्हें इस तरीके से फाइट करने की जरूरत नहीं है, तुम इससे नहीं जीत सकते इतनी आसानी से। और उससे बोलने लगती है अगर तुम सभी ने मेरी मदद की और मेरे फादर को उसके सिंहासन से हटा दिया तो मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम सभी की लाइफ बहुत ज़्यादा शांतिपूर्ण कर दूंगी और हम गोश्त और इंसान मिलकर रहेंगे शांति से। तभी जो आप पर कुछ झिंगे होते हैं वहीं पर रोना चालू कर देते हैं सर पटक पटक कर और कहने लगते हैं कि हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा कठिन है, सिर्फ हमें मंथली में 1000 तनख्वाह मिलती है और वो 1000 भी हमारे किराए और रहने के खर्चे में चले जाते हैं, मुझे इसके लिए बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। और सभी के सभी एग्री हो जाते हैं और बोल लगते हैं मिस केकी हम आपको फॉलो करेंगे, जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। तभी अचानक से वह दरवाज़ा खोलता है और उसमें से एक मोशर टाइप की एनर्जी निकलती है बहुत ज़्यादा ताकतवर। और तभी अंदर से कोई निकलते हैं उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हारी इतना ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखा और तुम लोगों को देखो तुमने क्या दिया मुझे वापस में गद्दारी, और तुम अब इंसानों के साथ मिलकर मुझ पर हमला करना चाहते हो। और तभी लिन जैक देखकर शॉक होता है, वो लगता है आखिरकार यह आवाज़ कैसी है। तभी केकी उसे बताने लगती है कि ये मेरे फादर की आवाज़ है। तभी हमें दिखाया जाता है लैंटर्न किंग को जो कि एस क्लास एडवांस पावर होता है इसके पास, और वह चिल्लाते हुए उस केकी से कहने लगता है कि तुम मेरी डॉटर होते हुए भी इंसानों के साथ मिल रही हो और मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई।
और वह बताने लगता है कि ह्यूमंस और इंसान कभी एक साथ मिलकर नहीं रह सकते। क्या ऐसा हो सकता है कि इंसान मछलियों को मारना छोड़ दे? तभी जो लिन होता है वो सामने आता है और उससे कह लगता है, ह्यूमन सिर्फ उन्हीं फिशेस को मारता है जिनके पास दिमाग नहीं है और जो फिर हंट करने लायक होते हैं, और कॉमन फिश को मारता है उन फिशेस को नहीं जो कि चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि हमें शांति चाहिए। हमारे दिक्सिया में ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काइंड दोस्तों के साथ भी दोस्ती करना चाहते हैं और साथ में मिलकर रहना चाहते हैं। तभी जो लेंटल गोश्त होता है वो भड़क जाता है उस पर लेंटल और कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसी ऐसा कहने की? तुझे क्या लगता है कि मैं एस लेवल का पावरफुल गोश्त तुम्हारी बात मानूंगा? सिर्फ ताकत पर लोगों को जिंदा रहने का हक है। चलो मैं देखता हूँ आखिरकार तुम कितने ज्यादा पावरफुल हो लिन। और तभी वह लिन पर फुल फोर्स में अटैक कर देता है और भाई यहाँ पर फिर से डोमेन आ गया है इनका, और लिन और होंगे एक साथ उस डोमेन में जाने लगते हैं। लेकिन जिन लिन होता है वो होंगे से कह लगता है, होंगे मुझे अकेला छोड़ दो, मैं इसके साथ वन ऑन वन फाइट करना चाहता हूँ। और तभी जैसे ही लिन की पार्टी होती है वो देखती है, एकदम सरप्राइज होती है और बोल लगती है, यू चिल्लाते उसे कह लगती है, ब्रदर लिन सिस्टर कहाँ चलेगा ये लोग अचानक से? तभी हमें डीप सी के डोमेन में दिखाया जाता है और लिन यह देखकर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोले लगता है, ये कमीना डोमेन फिर से आ गया मुझे परेशान करने के लिए। और सोचता है कि जो होंगे और मैं तो एक साथ इस डोमेन में आए थे, लेकिन मैं यहाँ अकेला कैसे हूँ? तभी हमें सामने से होंगे को दिखाया जाता है और वो चिल्लाती हुई आ रही होती है, लिन मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, लिन मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। तभी लिन कहने लगता है, क्या होंगे इस तरीके से वहां से क्यों आ रही है? और तभी जैसे ही उसको देखता है तो उसके दिमाग की बड़ी घंटी जल जाती है और बोले लगता है, इसको देखकर कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, दया आई मीन होंगे कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पर, कुछ ठीक नहीं लग रहा है इसके साथ। और तो और जो होंगे उसने मेरे नाम से डायरेक्टली मुझे बुलाया इस बार, मुझे लगता है जरूर कुछ ना कुछ मैजिक हो रखा है यहाँ पर। तभी जो होंगे होती है अचानक से बड़ी फिश में बदल जाती है और उससे कहने लगती है, अगर तुम इतना ज्यादा हिचकिचाके रहे हो मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, और सीधे लिन पर अटैक कर देती है, जिस कारण लिन यह देखकर इतना शौक होता है कि उसकी तो हिचकी हो जाती है और चिल्लाते उसे कहने लगता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को प्रिटेंड करने की और उसकी नकल उतारने की? तुमने तुम आग के साथ खेल रहे हो, आग के साथ तुम्हें पछताना पड़ेगा, तुम आग के साथ खेलोगे तो तुम जल जाओगे। और इसी के साथ हमारा यह एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मैं चला नेक्स्ट एपिसोड में।